जय हिंद। आप सभी लोग आ चुके होंगे और आज जैसा कि हम लोगों का कल का क्लासेस नहीं हो पाई थी, मेरी ही क्लास नहीं हो पाई थी और आज हम लोग क्लास लेंगे और जिस प्रकार से आपके नोट्स चल रहे हैं तो उसमें आप इसको जोड़ते जाएंगे। कांग्रेस के जो हम लोगों ने एक कड़ी प्रारंभ की थी उसी कड़ी के शायद आज भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे हम मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं आज उस पर हम लोग थोड़ा सा नज़र बनाएंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी हैं, मिंटो मार्ले एक्ट पढ़ेंगे और मिंटो मार्ले एक्ट के बाद हम लोगों का जो अगला दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार के बाद हम देखेंगे कि आगे की जो घटना थी इसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध एक वो आधार है, एक वो तरीका है जहां पर आप देखेंगे कि लीग हैं और कांग्रेस ये पुनः एक आएंगे। उसका कारण बहुत बड़ा प्रथम विश्व युद्ध भी था, आप देखेंगे किस प्रकार से, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही खिलाफत और खिलाफत जिस प्रकार से आंदोलन समावेश होगा या मिलेगा जिस प्रकार से असहयोग में, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कुछ कुछ आपकी झलकियां आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय ही मिलेंगी, ठीक है। और इसी के बीच में आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध से अगर हम कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में चलें चाहिए वो एक टॉपिक अलग है, ठीक है ना। हम लोग टॉपिक को जैसे कि मान लीजिए मिंटो मार्ले सुधार की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक वो जो राजनीतिक दृष्टि से पढ़ेंगे हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना है इसलिए थोड़ा सा तथ्यों को अलग देखेंगे। यहाँ पर हम सीटों की बात नहीं करेंगे, केंद्रीय विधानसभा में 16 से बढ़ाकर 60 कर देंगे ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पर हम लोग केवल ये देखेंगे कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है। ठीक इसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि विश्व युद्ध जो पहला प्रारंभ हुआ उसका संबंध कांग्रेस से कहां कहां पर है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक जो कि महात्मा गांधी का प्रवेश होने वाला है 9 जनवरी 1915, तो आप देखेंगे कि इसके बाद एक थोड़ा सा टॉपिक रहेगा लखनऊ अधिवेशन, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल। और लखनऊ अधिवेशन के बाद थोड़ा सा विराम देंगे और 1905 से लेकर के 1916 तक अभी तक के जितने भी प्रश्न बने होंगे या जितने बन सकते हैं, चूँकि आपके नोट्स में हमने बहुत नई चीज़ें आपको दी हैं तो आपको उस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी और इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। आज के सार का था लेकिन नहीं हो पाया, तो आज का सार जो होगा वो कल होगा जिसपे हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित प्रश्नों को लाने वाले हैं, ठीक है। तो आज चलते हैं और देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 या मिंटो मार्ले सुधार, आप सांप्रदायिकता के जन्मदाता को देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए मिंटो मार्ले एक्ट में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि मिंटो कौन था। मिंटो जो कि 1905 में ही आ चुका था और मिंटो उस समय भारत का वायसराय था, जबकि मार्ले के बारे में बात करेंगे तो सचिव का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के अंग की बात कर रहे हैं और शासन के अंग की बात अगर की जाए तो लॉर्ड मिंटो, ठीक। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये इसी सुधार के तहत जो लॉर्ड कर्जन ने एक पृष्ठभूमि तैयार की थी बंगाल विभाजन की, उसी का एक कदम आगे था जो उनका एक स्वप्न था, फूट डालो राज करो की नीति। आप देखेंगे कि उस स्वप्न का जो बीजारोपण होने जा रहा है वो आपके सामने है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जिस जौन सा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा वहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे, देखिए इसका एक कारण था और थोड़ा सा विचार करिए आप। अंग्रेज़ों की दो चीज़ें तो आप कॉमन सी रख लीजिए, जब वो कभी भी ऐसा नियम लाते थे कि ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होगा और तो वो अपने बचाव करने के लिए अपनी समितियों में उन्होंने उस समय भारतीयों को जोड़ा है, इसके पहले उनको भारतीयों की याद कभी नहीं आई, वो कभी नहीं चाहते थे। जैसे आप लोग हैं ना, मान लीजिए किसी मोहल्ले में जा रहे हैं और किसी लड़के को मारना है तो कुछ लोग दिमागदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मोहल्ले के जो थोड़ा दादा टाइप के लोग होते हैं उनसे व्यवहार बना लेते हैं, यही कंडीशन यहाँ पर भी है। आप देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीय शामिल किए जाएंगे ये हम बता चुके हैं और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो पहली भारतीय होंगे, ठीक है ना।
हालांकि अगर हम बात करें 1907 में दो भारतीयों को पहले, याद रखिएगा, राज्य परिषद में शामिल किया जा चुका था, मतलब की पृष्ठभूमि बनाने के पहले ही भारतीयों को शामिल किया गया है, और इनमें केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी ऑलरेडी थे। ये क्यों शामिल किए गए थे? ताकि ये भी दिखा सकें कि जो ये चीज़ बन रही है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के देखरेख में बन रही, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों की सहमति है। लेकिन कितने भारतीय हैं आप देख लीजिए, तीन भारतीयों की सहमति क्या है, ठीक है ना, ये तो लेना बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं। पहला प्रश्न यही पूछा गया है कि मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया है, तो आंसर आपका होगा बेटा मिंटो मार्ले एक्ट 1909 के तहत। वायसराय की कहानी में पहली बार भारतीय कब शामिल किया गया है? मिंटो मार्ले एक्ट, ठीक है ना। अगला है कि अगर भारतीय राज्य परिषद में 1907 ध्यान करिए सूरत अधिवेशन की बात चल रही है, उसी समय दो लोग थे केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी ऑलरेडी शामिल हो चुके थे, और इसीलिए चूँकि सांप्रदायिकता का जो बीज बोया है वही आगे चल को एक पृथक राष्ट्र के रूप में आपके सामने आने वाला है पाकिस्तान, ठीक है ना। इसीलिए याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को हम सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। जिन बच्चों को इतना नोट करना है नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद चलिए अगला है दिल्ली दरबार। ये टॉपिक पढ़ाने के पहले हम चाहेंगे आप लोगों को एक SW दे देते हैं। हमने आपको कुल तीन दिल्ली दरबार बताए थे, उनमें से एक दिल्ली दरबार आपका 1911 में, ठीक है ना, और जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन के समय ये उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। बहुत सारा पैसा खर्चा किया जाएगा और भारतीयों की बात करें तो ये बताया जाएगा कि भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पहले भी दो दिल्ली दरबार ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे समय पे आए हैं जब भयंकर अकाल पड़ रहे थे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा राजा का काम ये होता है कि पहले प्रजा फिर वो। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि दो इसके पहले भी दिल्ली दरबार हो चुके हैं, तो आप लोगों का काम ये है कि मैं SW ये दे रहा हूँ कि दो दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में और कब हुए, दोनों आपको लिख के हमको बताना है कमेंट्स में, ठीक है। चलते हैं तो दिल्ली दरबार के बारे में देखते हैं। तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ, और इसी आगमन के समय आपको पता है कि कलकत्ता अधिवेशन, और कलकत्ता अधिवेशन में जनगणमन पहली बार गाया गया। जनगणमन जब गाया गया था तो ये बात सत्य है कि कहा जाता है कि ये उनके आगमन पे गाया गया था, और उसमें बोला भी जाता है कि जनगणमन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। इसका मतलब कि जो आ रहे हैं वो भारत के भाग्य के क्या हैं बेटा, विधाता आ रहे हैं। कालांतर में जब इसको शामिल किया गया, ठीक है ना, तो जब शामिल किया गया 24 जनवरी 1950, उसके बाद इसी बात पर प्रश्न चिन्ह उठा कि ये जो हम लोग राष्ट्रगान जो हम लोगों ने स्वीकार किया है तो क्या ये सही है, ये उचित है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी के लिए गाया गया था और उसको ये गुलामत का प्रतीक बन रहा है कि हमारा कोई विधाता है। तो जब ये बात निकल कर सामने आई तो ये कहा गया कि यहाँ पर भारत भाग्य विधाता का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, और ये दृष्टि कर रहा है, ये आपको जनता की ओर इंगित कर रहा है कि भारत की जो जनता ही है बेटा वही भारत के भाग्य की विधाता है और वही बेटा है सर्वशक्तिमान, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा चुका है बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया है, आप सीधे याद रखेंगे बेटा कब, 1911, अगर पूरी डेट याद नहीं रखना। और इसी समय याद रखिएगा कलकत्ता को दिल्ली की, याद रखिए कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, तथा कलकत्ता को दिल्ली की नई राजधानी बनाया गया, ये याद रखिएगा। कलकत्ता को नहीं, कलकत्ता के स्थान पर, थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, स्थान पर दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया। अब बात कभी कभी क्या करता है, इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जामिनर ज़्यादा पूछ लेता है तो उस पर ये पूछ लेता है कि ये राजधानी कब बनी है। तो कभी हमने जो आपको नोट लिखा है इस डेट को बेटा आपको पूरा याद करना है, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं है, आपको करना है। आपसे पूछा जाए कि घोषित कब हुआ तो आपको डेट याद रखनी पूरी, 12 दिसंबर 1911 को, और राजधानी कब बनी है 1 अप्रैल 1912। अब देखिएगा
अब इसके बाद की जो कड़ी है कि इसी समय क्या होगा, उड़ीसा और बिहार को किससे अलग कर दिया जाएगा, बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। अलग भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उड़ीसा को कब अलग किया है, कि याद रखिएगा 1911 में ही दिल्ली दरबार के समय। असम को एक नए प्रांत के रूप में गठित किया गया और इसमें किसको शामिल किया गया, सिलहट को शामिल किया है, ये भी प्रश्न आ चुका है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे बेटा। और ये दिल्ली दरबार है, इसके बारे में इस समय वायसराय कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग। बाकी हमने जिनको जिन्होंने हमारा क्रांतिकारियों वाला चरण नहीं देखा है, आप देखेंगे इसी समय हार्डिंग बम कांड जो होगा वो हम सारी घटना का जिक्र कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। क्रांतिकारियों वाली पूरी घटनाओं को आप क्रम वाइज, हमने एक तरफ पूरा क्रांतिकारी घटना दी है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए बेटा, चलिए तो अब समय आ चुका है 1914 से 1919 की घटनाओं के बीच। अगर हम 1914 जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करें, तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय दो गुट तैयार हुए थे। जो पहला गुट था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थी, इसे ट्रिपल अलायंस के नाम से जाना जाता था। और जो द्वितीय आपका गुट है फ्रांस, रूस और इंग्लैंड है, याद रखिएगा इसे ट्रिपल एंटेंट कहा जाता था, ठीक है ना। अब जो युद्ध समाप्त प्रारंभ हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ। अब ये भी याद रखिएगा, इसको नोट करते जाइए बेटा, हम हटते जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब यहाँ पर देखिए इस समय आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, अगर हम कांग्रेस के चूंकि परिपेक्ष में बात कर रहे हैं तो युद्ध के समय भारत का वायसराय समय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी 1910 से लेकर 1916 तक थे, ठीक। और भारत में सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था, मतलब कि वो सब चाह रहे थे किसी न किसी प्रकार से भारत युद्ध में शामिल हो। गांधी जी को ऑलरेडी आपको पता है कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया था, ठीक है ना। उन्होंने केवल गांधी ही जी नहीं, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जो उस समय अंग्रेजों का सपोर्ट या नहीं कर रही थी। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये था कि उनको भी एक स्वार्थ था भारतीयों की, अगर हम आज इनका सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है जो हमारी मांगे हैं और उस पर इनका ध्यान जाए और इससे हमको जो सहूलियत मिलेगी, तो केवल लाभ प्राप्त करने के लिए इसे उन्होंने सपोर्ट किया। इसमें तिलक जी और गांधी जी की बात करें, वो तो गांव-गांव गए थे बेटा, केवल आप लोग गांधी जी के परिपेक्ष में, तिलक भी जी थे, शामिल भी थे, उन्होंने भी गांव-गांव गए थे और उन्होंने धन इकट्ठा किया था और लोगों को प्रेरित किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती हों और सहायता करें। यहाँ पर चूंकि गांधी जी को ब्लेम कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है बेटा, प्रत्येक पार्टी थी, ठीक है ना। ब्लेम करने की बात केवल जैसे कुछ लोगों के गांधी जी के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो हमने आपको बताया अभी तक केवल गांधी जी का एक पक्ष देखना, यहाँ पर बताइए कौन नहीं है। जब बोला जा रहा है कि सभी राजनीतिक पार्टी हैं तो कौन कह सकता, जो गांधी जी विरोधी जरा वो थोड़ा सा इस पर गौर करें, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखिएगा भगत सिंह की जब बात आती है तो भगत सिंह में सबको ब्लेम करते हैं गांधी जी। यार भगत सिंह को मैं गांधी जी को ब्लेम करने का आप दूसरा पहलू भी देखिए, मान लीजिए गांधी जी चलिए ना काम नहीं कर पाए तो बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोग भी तो बैठे थे, एक से एक धुरंधर वकील थे, लड़ लेते मुकदमा, किसी ने लड़ाई नहीं की, ठीक है ना, कुल मिला के बलि का बकरा बना दिया गया, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर, और क्या हुआ 1914 का, इसी समय याद रखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसी मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि जितने भी भारतीय हैं वो किसका समर्थन करेंगे बेटा, ब्रिटेन का इस युद्ध में, अंग्रेजों का इस युद्ध में सहायता प्रदान करेंगे। और इसके अध्यक्ष थे भूपेंद्रनाथ बसु। याद रखिएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना इसीलिए बेटा, इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन बहुत विकट गिरने वाले हैं। इसका रीजन देखिए, आपको हमने प्रैक्टिस में एक प्रश्न कराया था, ध्यान करिए, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि वह कौन सी कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें पहली बार किसी गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। ध्यान करिए शब्द क्या थे, गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तब आपका आंसर वेलिंगटन ने भाग लिया था। और ध्यान करिए 1915 का अधिवेशन था जो कि बंबई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, मद्रास में पहली बार किसी गवर्नर ने भाग लिया था, एक गवर्नर जनरल है एक गवर्नर,
और कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी अधिवेशन में किसी गवर्नर ने भाग लिया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न जिस दिन आएगा ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। मद्रास के गवर्नर का नाम था पिटलैंड, ठीक है ना, क्या नाम था बेटा, पिटलैंड। और उन्होंने पहली बार, पहला कोई कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें, याद रखिएगा, उसका कारण भी है अंग्रेजों को सपोर्ट चाहिए भैया, सीधी सी बात है, और बिना भारतीयों कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए उनको भी था कि तुम सपोर्ट करोगे तो हमको आने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये बेटा आप देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में था, और इसके इसी का आगे रूप देखेंगे कि पहला विश्व युद्ध होगा, जैसे होगा तो ऑटोमन साम्राज्य समाप्त होगा, सेब्र की संधि समाप्त होगी, और आप देखेंगे सेब्र की संधि, इसी बीच में सेब्र की संधि का फल यह रहेगा कि तुर्की में खलीफा का जो पद होगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होगा। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर तुर्की के साथ जब गलत होगा, इन लोगों के साथ गलत होगा, जो मुस्लिम बहुल हैं उनको घृणा हो जाएगी थोड़ा सा किससे, अंग्रेजों से, और यही घृणा याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के को साथ लाने की कोशिश करेगी, और यही लोग जब साथ आएंगे तो आप देखेंगे समझौता होगा। आपको आपको पता ना, लखनऊ समझौता जिसे बोलते हैं कांग्रेस लीग समझौता, जहां पर कांग्रेस और लीग भी एक साथ मिलेंगे और गरम दल और नरम दल भी एक साथ मिलेंगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि एक साथ होने का रीज़न क्या है, जब आप कहीं से नकारात्मकता आपको मिलेगी तभी आप किसी दूसरे से मिलते हैं, और उस नकारात्मकता का जो बीज है वो प्रथम विश्व युद्ध था, ठीक है ना। ये आज आपकी क्लास बेटा क्लासेस रही हैं, आप इन तीनों घटनाओं को अच्छे से नोट कर लेंगे, और एक लखनऊ अधिवेशन नॉर्मल सा उसको हम किसी में कर देंगे, और हम लोग अगली क्लास में 1905 से लेकर के 1914 तक के जितने प्रश्न बन रहे होंगे उन प्रश्नों की एक श्रृंखला ला, जैसे कांग्रेस की स्थापना में लाए थे बेटा उसी प्रकार से लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा अपनी रेगुलरिटी ये हुई बनाए रखिए, और नियमित क्लासेस, जो बच्चे हम बहुत से बच्चों को ऐसा भी देख रहे हैं कि प्रफुल्लित थोड़ा सा हो जाता है कि वो पेपर भी दे रहे हैं और क्लास भी आ रहे हैं, ठीक है उनको, क्योंकि उनको पता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू, ठीक है ना। आप लोग जितने लोग बच्चे आराम कर रहे हैं बेटा कोई मतलब नहीं है, त्यौहार को अगर कुछ लोग ये सोचें कि हम त्यौहार बाद कोचिंग को ज्वाइन करेंगे तो बेटा एक दिन एक क्वेश्चन का बराबर होता है, और जिस दिन एक क्वेश्चन से बाहर हो जाओगे ना उस दिन उस दर्द का अनुभव तुम कर नहीं पाओगे, इस चीज़ दर्द का एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अनुभव तो बाद की आता है, अनुभव तो तुम किसी और को दोगे कि भैया एक भी दिन लेट नहीं करना है। जब होली की छुट्टी होगी तब देखा जाएगा, तब तक क्लास जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।